हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए नायका का रिव्यू। 9:30 तक ब्रेकफास्ट कर लिया था, सो मुझे ये नायका के प्रोडक्ट्स रिसीव हुए 11 बजे करीब, तो मैंने सोचा कि ना मैं रिव्यू दूँ उनका। और ये मुझे आज रिसीव हुआ है 11 बजे, और ये वाला बॉक्स मुझे रिसीव कल ही हो गया था। मैंने थोड़ा सा इसका बस बॉक्स का बाहर से वीडियो बना के अपने पहले वाले ब्लॉग में डाला था, तो आज मैं इनका जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि ये हमारी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मैंने करीब 6 से 7 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, जिसमें मुझे 2 तो आज रिसीव हो गए हैं, बाकी मुझे पहले रिसीव हो गए थे। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके। ये मैंने पहले ही ओपन कर दिया था कल, और ये कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर आया था। ये शायद इसलिए दिया जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो, प्रोडक्ट सेफली पहुंच जाए कस्टमर के पास। और ये बिल मुझे साथ में रिसीव हुए थे, प्रॉपर बिलिंग भी दी है इन्होंने हमें, ओरिजिनल प्राइस प्लस डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। ये है मैबेलिन न्यूयॉर्क लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर। सो मैंने इसे आईलाइनर में भी यूज़ किया है, और साथ में ही आईब्रोज़ के लिए भी यूज़ कर लिया है, अपनी आईब्रो सेट कर ली है मैंने इसे। इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर एक ब्रश मिला है मुझे, और साथ में ही ये छोटा सा आई शेडो लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर मिला है, जो कि शेड में है 01 ब्लैक। और मैंने इसे अभी यूज़ करा है, अपने फेस में आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज और मेरा आईलाइनर भी, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और मुझे पसंद आया। इसका ओरिजिनल प्राइस था 500, और मुझे ऑफर प्राइस में मिला है 375 रुपीज़ का। और सेकंड है फेसेस कनाडा की नेल पेंट, जो कि मैंने वाइट शेप में मंगाई थी, और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आई थी। और ये है नेल पेंट, और इस नेल पेंट की पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो ये सेफली मेरे पास पहुंच गई। और इसका शेड है 0 White 1 4, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग भी मंगा सकते हो। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 109 रुपीज़ था, बट मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 93 रुपीज़ की। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी कम्पैक्ट पाउडर, और इसका ओरिजिनल प्राइस था 199, और ऑफर प्राइस में मुझे मिला था 149 का। तो मैंने इसे अभी यूज़ किया है फेस में, और बहुत ही स्मूथ पाउडर है, और अंदर से कुछ इस तरीके की पैकिंग की है इन्होंने इसकी। और नेक्स्ट मैं अब ओपन कर रही हूँ जो दूसरा मुझे नायका का पार्सल रिसीव हुआ था। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट अब है मामा अर्थ विटामिन सी क्रीम फॉर फेस विद विटामिन सी एंड SPF 20, और ये मुझे मिला है ओरिजिनल प्राइस में, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, बट इसके साथ मुझे 2 चीज़ें फ्री मिली थी, जो कि मुझे पहले वाले बॉक्स में ही रिसीव हो गई थी। और एक है मामा अर्थ का फेस मास्क, और एक है मामा अर्थ का फेस वॉश। चलिए इसे ओपन करते हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग में दिया है इसे। एंड लास्ट प्रोडक्ट कलर बार की नेल पेंट, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 199, और ये मुझे ओरिजिनल प्राइस में ही मिली थी। ये रही येलो नेल पेंट, जिसका शेड है बनाना स्प्लिट, अच्छी नेल पेंट है, अभी मैं इसका भी रिव्यू आपको ट्राई करके दिखा दूंगी। और मैं बस नायका का रिव्यू रिकॉर्ड ही कर रही थी कि अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई है। हमारे घर के बैक साइड में ये प्लॉट खाली है, और उसमें बहुत हरा भरा एक पेड़ है। बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी थी और मौसम भी अच्छा हो गया था, तो हम सभी ने डिसाइड किया कि हम चाउमीन बनाएंगे। तो मैंने अनियन और कैप्सिकम को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया, और
कटिंग के दौरान हमें ये भी याद रखना है कि हमें इनके छोटे पीसेस ही बनाने हैं जिससे ये ईजिली पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और अनियन एंड कैप्सिकम कट चुके हैं। गर्म होने के बाद हमें पानी में एक चम्मच ऑयल और एक चम्मच नमक और उसके बाद चाउमीन को उबालने के लिए डाल देना है। और जब चाउमीन अच्छे से पक जाएगी तो हमें उसे छान लेना है और अच्छे पानी से साफ कर लेना है। कढ़ाई में तेल डालना है हमें अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद उसमें अनियन और कैप्सिकम को डाल के अच्छे तरीके से पका लेना है। जब हमें इन्हें पका रहे थे तो थोड़ा सा धुआं भी हो गया तो मैंने चिमनी को ऑन कर लिया जिससे कि धुआं ना हो, कम हो जाए थोड़ा। और हमें इसमें एक चम्मच करीब अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची पाउडर और नमक डालना है और फिर चाउमीन। जब चाउमीन पक रही होती है कढ़ाई में तब हम उसमें सोया सॉस और विनेगर डालते हैं। बाद में हम अपने स्वाद के अनुसार चिली सॉस भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चाउमीन बन रही है। और जब तक चाउमीन बन रही थी यहाँ पे बच्चे ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी कर रहे थे साथ में। सभी लोगों को चाउमीन का इंतज़ार था और यहाँ हमारी चाउमीन बनके रेडी हो चुकी है। हम सभी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मौसम बहुत ही प्यारा था तो चाउमीन खाने का मन हर किसी का कर जाएगा इतने प्यारे मौसम में। And guys, if you like my video, then like, share and subscribe to my channel.